तो हमने कल पबजी खेला था, तो ये रहा हमारा आज का चिकन डिनर है ना। कितना अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा है, देखो ये वाला मस्त बना दिए हैं कैमरामैन के द्वारा, मजबूरी में ऐसा कराया जा रहा है फोटो खींचने। अगर ब्लॉग बकवास लगे तो फिर भी लाइक मार देना, क्योंकि ये गार्डन बहुत मेहनत से खर्चा करके आना पड़ा है, 10 रुपए का पेट्रोल जलाया। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और दबाओ घंटे को ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिले। तो हमने कल पबजी खेला था, तो ये रहा हमारा आज का चिकन डिनर है ना, ये हमारा प्याज। तो हम हैं मेजबान होटल में, तो काफ़ी अच्छा सुविधा है यहाँ पे, आप खाने खिला सकते हो, काफ़ी बेस्ट बनता है। होटल का नहीं दिखा पाया, बाकी बाद में दिखाता हूँ। आदमी ऊपर में और गया, तो ये रही टेस्टी टेस्टी चिकन हमारा अलग अलग। तो ये अपना रायता और चिकन होना शुरू हो गया है ना, चोरी होने शुरू हो गया, सब टाप रही है। हाँ, टाप लो टाप लो। तो यहाँ पे हमारा पराठा भी आ गया, जिसका नाम है लच्छा पराठा। तो ये बड़े बड़े पराठे, और हम तो ये खाने वाले हैं बॉस। तो ये हमारा लच्छा पराठा, वेट नहीं हो रहा है, प्लेट में आ गया हमारा खाने का पूरा, यम्मी यम्मी यम्मी। हे गाइस, तो बहुत दिनों बाद फिर से चलते हैं अभी रायगढ़ का राबो डैम के पास में, एक गार्डन है पता है ना, राबो गार्डन, तो चलो दिखाते हैं उसका टूर छोटा सा। आज इतना ज्यादा भीड़ यार, पूरा रोड जाम हो गया है ये वाले रास्ते में, गार्डन जाने वाले रास्ते में पूरा ट्रक भरा हुआ है। और ये पहाड़ यहाँ का रायगढ़ का जानते रहे ना। तो एक फॉलोअर से मुलाकात हुआ जो कि हमारे रायकिरा से निकले, नाम बता दो अपना। कीर्ति कुमार ना। हाँ, ये भी रायकिरा, मतलब इनका ससुराल है ना। चलो हाँ। सारा का सारा ग्रुप है, तो चलो इनको ही देख लेते हैं। तो सर लोग का ग्रुप जो कि अभी आए हैं गाड़ी में, जब होटल आए थे ढाबा तो मिल गए। हाय बोल दो सर। चलो ठीक है। तो ये है जो कि किलो डैम के नाम से जाना जाता है अभी तो फिलहाल। तो इधर से आते हैं, आने का था यहाँ से, हम लोग आए वहाँ बाइक रखने के बाद में, और ये इधर से घुसने का है, बाकी अभी यहाँ निकलने का है, बट यहाँ भी घुस सकते हैं। तो चलो यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो कैसे लग रहे हैं हम? तो ये रहा हमारा गार्डन का घुसने का गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है निकासी, बट हम घुसेंगे यहाँ से। ओ तो ये रहा, अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा प्यारा सा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा है, देखो ये वाला मस्त बना दिए हैं, घास घास बगल बगल में है, और ये ऊपर में चार कुछ कुछ कोने लगे हुए हैं। चलो ये गेट का दर्शन तो हो गया, काफी अच्छा है ना, प्यारा सा। चलो इसके अंदर का टूर करते हैं थोड़ा बहुत। तो हम लोग आए हैं, तो ये देख सकते हो जैसे धूप आ रही है, तो बाकी अच्छा लग रहा है ना, देखो हंसना मना है, हंसना मना है, ये धूप को भी रिकॉर्ड करें। अच्छा लग रहा है गार्डन, देखो अच्छा लग रहा है ना काफी, यहाँ से घुसने के लिए तो सजा बाकी अच्छा है, बाकी दूर पड़ जाते इसलिए बहुत लोग नहीं आते हैं, पूरा खाली रहता है। अगर ये होता ना रायगढ़ के अंदर में तो है ना निश्चित तो ज्यादा भीड़ होते नहीं होते। तो देख सकते हो ये अंदर से आया हुआ गेट हमारा, और ये अंदर का काफी बड़ा है बस इधर से इधर, और ये उधर से धूप आ रहा है, शाम का टाइम है, तो अंदर का तो चलो देखते हैं अंदर में, काफी बड़ा है। यहाँ पे कुछ पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी लेकिन अभी खाली है, बाकी इधर का चलो एंजॉय द राइड ऑफ दिस गार्डन। यो अच्छा लग रहा है, शाम शाम मतलब अंधेरा सा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये भी है, अच्छा लग रहा है, और ऊपर से ये भी है, क्या को मैं खून दिया नहीं, ठीक है। तो ये अपना गार्डन, यहाँ पे पहले नहीं आया था इसलिए मैं वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले नहीं आया था, मेरा ट्राइपॉड भूल गया, मैं अपना ट्राइपॉड लाया रहता तो अच्छा बनता वीडियो, बाकी कोई बात नहीं, जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसा ही गार्डन। यहाँ पे कुछ कुछ है दिखाता हूँ, यहाँ से अंदर आने के बाद मैं ये रास्ता देखो, यहाँ पे बांस का ये रास्ता जाने का बना हुआ, अच्छा लग रहा है। चलो एक बार यहाँ से घूम के आते हैं, ये बांस का पौड़ा है, बाकी कलरफुल बांस है, और ये रास्ता, यहाँ पे एक रोमांटिक वीडियो शूट हो सकता है, कोई आएगा मेरे साथ में शूट करने के लिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बूम चिकी बूम चिकी बूम। तो इधर भी फैला हुआ है, इधर पूरा का पूरा, और इधर भी इतना बड़ा है ना, अगर रायगढ़ के बीचों बीच में होता ना कसम से पूरा बहुत भीड़ होता है, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भीड़ नहीं होगा क्योंकि रायगढ़ के आउटर एरिया में, यहाँ पे आने के लिए धूल खाना पड़ता है, तब तक शकल डाउन, और फोटो खिंचाने के लिए कुछ अच्छी शकल आएगी नहीं जैसे अभी आ रही है मेरी। और ये अंदर का उधर और बड़ा सा है, मतलब इसके पार होने के बाद में इसके इस पार और भी है, हो रहा उधर का पहाड़ बहुत बड़ा दिख रहा है। ए दुश्मनों इधर आओ, और ये क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ है, ये शायद ये ब्लैक ब्लैक पेड़ है, और वहाँ पे एक मेंढक मामा दिख रहे हैं, रुको जूम करके दिखाते हैं, ये रहे मेंढक बना हुआ है जहाँ पे, बाकी बीच में डाल दिए, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, सिर्फ दूर से देख सकते हैं, यहाँ पानी होना चाहिए बट यहाँ पानी नहीं है।
हम यहाँ पे लेटे हुए हैं, वो देख रहे हैं कैमरामैन बैठा हुआ। और कैमरामैन भाई साहब जल्दी अच्छे से फोटो खींचो हमारा। अरे ऐसे करना था, रुको ऐसे करना था, बचा था ही करना। चलो कैमरामैन के द्वारा मजबूरी में ऐसा कराया जा रहा है फोटो खींचने। देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे बना कर रखे हैं, दिख रहे हैं ना आप लोगों को आस्था सा। क्या वीडियो था? आ नहीं रहा था कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखाया था ना उधर कैमरामैन थोड़ा सा ढंग फोटो पता नहीं है, मतलब कुछ भी पोज देते फोटो खींच लेता है। देखो देख रहे हैं हम लोग ऐसा पोज दी फिर फोटो उधर खींच जा रहे हैं। देखो हाँ इसको बोलते कैमरामैन, इसको नंबर दूंगा नहीं, गलती से बुला मत लेना। देखो फोटो खींच रहा है, ये पोज अच्छा नहीं था फिर खींच रहा है। देखो कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्डर आ रहा है कैमरामैन भी आना चाहता है वीडियो में, तो कैमरामैन को भी रुको बुलाते हैं, वो फोटो में आना चाहता था। कैमरामैन सर करके अगले से तो अभी हमारा फोटो खिंचाना है ना अगले। अगर ब्लॉग बकवास लगे तो फिर भी लाइक मार देना क्योंकि ये गार्डन बहुत मेहनत से खर्चा करके आना पड़ा है, 10 रुपए का पेट्रोल जलाया। यहाँ पे टाइमर नाम का आविष्कार हो गया है तो अभी टाइमर लगा रहे हैं वहाँ से, तो शायद फोटो हमारा सारे का आ जाए, है ना, है ना। और अभी अभी एक दोस्त मिले थे, उनके हिसाब से कहना ये था कि मतलब मेरा वीडियो देखते हैं तो क्या सोचते हैं सबके सब कि मैं सिर्फ घूमते फिरते रहता हूँ। देखो ऐसा नहीं है, मैं घूमते फिरते नहीं रहता हूँ, जैसे कि कभी कभी फ्री हुए तो घूमने का मन किया तो जगह अगर मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया हूँ और नए फ्रेंड लोग हैं तो साथ में मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ, ठीक है। तो घूमने वाली बात नहीं है, हम घूमते जरूर हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन रोज रोज नहीं, जब जब घूमने का मन किया तब तब। और यूट्यूब पर क्या है कि 2 दिन बाद मतलब वीडियो डालोगे तो वही दिखाता है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, नहीं पता मेरे को कितना लंबा बना है, बट देख लेना, तो लाइक मार दो नीचे में और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। तो रायगढ़ वाले फिलहाल रायगढ़ नहीं यार, अपने रायगढ़ एरिया जितने भी गरगुड़ा छत्तीसगढ़ आते हो ना सब्सक्राइब मारो, क्योंकि अपना चैनल को भी पहुंचाना है और 3000 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो जल्दी से कर दो 3000 सब्सक्राइबर, उसके बाद में टारगेट रखेंगे 5000 का। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और